in first. As usual. No. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ और होप करता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो गाइस, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कमेंट्स वगैरह, तो ये नॉर्मल कमेंट्स नहीं है भाई। ये कमेंट्स से मेरे को मोटिवेशन फील होता है और इसके लिए मतलब बहुत थैंक यू यार कि आप लोग इतना अच्छा कमेंट लिखते हो। तो ये सब कमेंट पढ़ के मेरे को मोटिवेशन फील टाइप होता है, ओके, मोटिवेशन फीलिंग आता है। तो इससे क्या होता है कि मैं अंदर मतलब और भी अच्छा, हाँ मेरे को और भी अच्छा वीडियो मेरे को आगे बनाना है करके मोटिवेशन आता है। तो इसके लिए बहुत थैंक यू यार कि आप लोग इतना सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इधर हम लोग खेल रहे हैं स्क्वाड, मैं खेल रहा हूँ रैंडम बंदों के साथ और ये शायद मेरा थर्ड या फोर्थ मैच होगा क्लासिक एशिया पे। तो इधर क्या होता है कि अपने बंदे को मतलब पता नहीं कहाँ से बाजू के बिल्डिंग से नॉक कर देते हैं इसे। तो इसे मैं झट से मैं रिवाइव वगैरह देता हूँ। तो भाई इधर हमारा टीममेट ने किया है को नॉक, तो ये बेस्ट परफेक्ट टाइम है रश मारने के लिए। तो मैं तो मारा इधर रश एसएमजी के साथ, लेकिन उसके पास तो शॉटगन था। शॉटगन बहुत खतरनाक होता है क्लोज कॉम्बैक में, आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा आप मारे जाओगे। तो मैं इधर भीख मांग रहा हूँ कि भाई रिवाइव दे दो, रिवाइव दे दो। तो फाइनली हमारे टीममेट ने रिवाइव देता है। तो भाई ये कौन सा तरीका हुआ टीपीपी लेने का? वो टीपीपा बोल रहा हूँ, टीपीपी ले रहा था कि नहीं? वो मेरे को आते हुए देखा, लेकिन मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे को मारा नहीं। तो अच्छा किया कि वो मारा नहीं मेरे को, नहीं तो आपका भाई मर जाता या नॉकआउट हो जाता अभी। अच्छा तो भाई पीछे वाला बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था लगता है, इसलिए उसे टाइम लगा मेरे को मतलब रिएक्ट करने पे। तो मैंने किया दोनों को नॉकआउट और अभी भी उसके एक या दो बंदे ऑपोजिट साइड पे है। तो मैं ट्राई करता हूँ इधर मतलब कवर लेके उनको ग्रेनेड से मार दूँ या कुछ, ट्राई करता हूँ इधर। तो ये मेरा नाकामयाब ग्रेनेड किसी को हिट नहीं करता, तो फाइनली मेरे को रश करना पड़ता है क्योंकि ये बेस्ट टाइम था रश मारने के लिए, क्योंकि एक ही बंदा उनका लाइफ था। तो भाई इधर मैंने अपने टीममेट को बोला हॉर्न मारा और मतलब दो या तीन मिनट मैंने वेट किया, लेकिन कोई नहीं आता। तो मैं अकेले में चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को किल्स चाहिए। तो मेरे को मिला इधर एक स्क्वाड जो मतलब खुले में क्या कर रहा था पता नहीं। तो ये बंदा एक्चुअली रिवाइव हो जाता है। तो भाई मेरा ओपी नेड का कमाल ये है। तो इधर जैसे एक बंदा नॉकआउट होता है मैं डायरेक्ट रश मार देता हूँ इन पे। ओ भाई तो मतलब पहले वाला बंदा उड़ के आता है और मतलब दूसरा बंदा खिड़की से, उसे पता है मैं खिड़की के बाहर हूँ तब भी वो मतलब जंप क्यों कर रहा है। वो जैसे ही जंप करेगा मैं उसे मार दूंगा मतलब। चलो कोई नहीं, हमें तो फ्री किल मिल गया ना वो वाला। तो गाइस ये बेस्ट है कि मतलब जैसे ही आप एक को नॉक करोगे ना तो आप रश मारना, मतलब एकदम ध्यान से, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो आपको पूरा सिचुएशन पर मतलब ध्यान देके मतलब जब भी आप क्लोज कॉम्बैक करोगे ना तो मतलब
आप ट्राई करो कि मतलब फुटस्टेप कहाँ से आ रहे हैं, तो उसी तरफ मतलब आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। मतलब आप पे राइट और लेफ्ट दोनों से आ रहे हैं, तो मतलब आप देखो कि कौन सा फुटस्टेप बहुत नज़दीक है, तो उसके ऊपर आप फोकस करो। जैसे आप उसको नॉक कर दे तो मतलब कवर में आ जाओ और टीपी पी लो। तो ऐसे करके आप आराम से आप स्क्वाड वाइप कर सकते हो। तो भाई इधर क्या सीन हुआ है कि हमारा जो दो टीममेट था, तो उन्होंने मतलब अपना एक दाजिया लेके मतलब जा रहे थे, और उनको दिखा कि फ्लेयर का ड्रॉप है, तो मतलब लालची बन देते हैं। तो वो लोग गए फ्लेयर के ड्रॉप के पास, लेकिन उनको पेल दिया गया, तो मतलब इनको फिनिश भी कर दिया। तो इधर मैं गलती भी कर रहा हूँ एक, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ तो भाई इधर मैंने किया मतलब तीन पीपल का स्क्वाड था इधर। ओके, तो इधर मैं गलती ये था कि मतलब जोन उधर मेरे को जोन के अंदर जाना था फर्स्ट थिंग, लेकिन मैंने डिसाइड किया एंड पे फाइट करूँ। मतलब ये बहुत गलत है। मतलब अगर ये लोग ज़्यादा टीपीपी वगैरह फाइट लॉन्ग हो जाता ना, तो मतलब दोनों तरफ से मतलब उनको भी डिसएडवांटेज हो जाएगा और हमें भी। अगर तो ब्लू जोन ही मतलब हाफ हेल्थ मतलब ख़राब कर देगा। तो उधर मेरे को फाइट नहीं लेना था, लेकिन चलो तब भी मैंने स्क्वाड को क्लियर कर दिया। तो इधर पे क्या हुआ कि जिस गाड़ी में डाजिया में आया, ऊपर से वो पंचर था। ओके, एक टायर उसका गया था पीछे वाला, और ऊपर से फ्यूल भी ख़त्म हो गया। मतलब इतना सारा बैड लक। तो जब मैं इधर हील कर रहा था, तो मेरे को लेफ्ट से एक गाड़ी जाते हुए दिखा। ओके, गाड़ी जाते हुए सुनाई दिया मेरे को। तो मेरे को लगा था कि ये लोग जोन गए, लेकिन हाँ जोन तो इधर ही है, तो जोन के अंदर गए। तो मेरे को लगा कि वो थोड़ा दूर होंगे, लेकिन मेरे को मतलब स्नाइपर का एक शॉट M24 का शॉट मेरे को पड़ जाता है। तो इधर मैं लेता हूँ पहले कवर। तो इधर एक बंदा बहुत गलती कर देता है, बहुत ओपन से आ जाता है एकदम सीधा से, मैं मुंह के सीधा से, तो उसे मैं करता हूँ नॉकआउट। भाई तेरे को ऊपर से नहीं आना था, वो भी मेरे सामने ऊपर से आया बंदा। तो इधर क्या होता है कि तीन लोग को मैं नॉक करके एक को तो मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके, तो अभी दो नॉक हैं और एक बंदा पता नहीं कहाँ पे है, तो मैं उस ट्राई करता हूँ उसे ढूंढने के, क्योंकि मतलब वो रिवाइव भी दे रहा होगा कहीं पे। और जो नॉकआउट जो दो बंदे थे वो रिवाइव हो गए या नहीं मेरे को अभी भी पता नहीं है। तो मतलब एक बंदा इधर रिवाइव हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से उसे नॉक होना पड़ा, और ये वाला लास्ट बंदा है जो टीपीपी ले रहा है। तो भाई ये भी गया। तो मतलब बेस्ट है कि आप लोग जैसे ही नॉकआउट करते हो तब भी आप लोग रश मार दो, और मतलब रश अंधा वाला रश नहीं, आप कवर लेके मतलब उनके बहुत क्लोज जाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज फाइट आप लोगे ना, तो मतलब वो
जैसे आप नॉक करोगे वो रिवाइव हो जाएगा। तो ट्राई करो कि मतलब एक को नॉक करने के बाद आप थोड़ा क्लोज जाओ स्क्वाड के पास। तो इस लास्ट वाले बंदे को पता नहीं था कि मतलब मैं कौन सा एंगल से आके इसे मारूं। एक्चुअली मैंने किया था पूरा, मैं लेफ्ट गया, फ्लैंक मार दिया। तो इसे पता नहीं था कि मतलब उसे लगा कि मैं उसके सामने हूँ, ओके, रूफ के ऊपर, लेकिन मैं एक्चुअली मैं लेफ्ट साइड आ गया। तो मेरे को एक एंगल, बहुत अच्छा एंगल मिल गया उसे मारने का। तो गैस, अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब, अगर आप नए चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब करो। और अगर अगर मतलब आप लोग इतना ही अगर पसंद करते हो अपने चैनल को, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हो। सो फिर से मतलब कमेंट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और आपका दिन शुभ जाए। सो मैं मिलता हूँ आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।